ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे YouTube व्यूअर्स, कंप्यूटर लर्निंग जोन चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम MS WordPad के टॉपिक के बारे में, जो हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यू है, और WordPad की जो क्लासेज हैं वो हमारे पास 5 क्लासेस का टॉपिक वाइंड अप हो चुका था, और आज WordPad क्लास नंबर 6 के हवाले से आज हमने डिस्कस करना है। शॉर्टकट यूँ बताता चलूँ कि पिछली क्लासेस के अंदर हमने इसका इंट्रोडक्शन वगैरह सीखा था, प्लस फॉन्ट बॉक्स के बारे में डिटेल वगैरह पढ़ी थी, प्लस पैराग्राफ के बारे में, ठीक है। और फिर जो लास्ट क्लास थी, क्लास नंबर 5, उसमें हमने इन ऑप्शंस के बारे में, शॉर्ट कीज का क्या यूज़ है, कैसे यूज़ करते हैं, और इन ऑप्शन की शॉर्ट कीज क्या हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस की थी। और ये टॉपिक था हमारा क्लास नंबर 5 के हवाले से। तो आज का जो टॉपिक है वो क्लास नंबर 6 के हवाले से है। MS WordPad क्लास नंबर 6 का टॉपिक आज कंटिन्यू करते हैं, और इसके अंदर हमारे पास एक बॉक्स आ रहा है, इसका नाम क्या है, इंसर्ट। इंसर्ट के मान होते हैं लाना, दाखिल करना। जैसे किसी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी पिक वगैरह को लाना हो तो आप पिक्चर के ऑप्शन पर आएंगे, और पिक्चर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद वो पिक वगैरह, चाहे वो आपकी अपनी हो या किसी किस्म की पिक वगैरह हो, आप उसे सेलेक्ट करने के बाद चाहे तो एक ही पिक को सेलेक्ट कर लें, एक पिक भी ला सकते हैं। आप ओपन पे क्लिक करेंगे, ये पिक आ जाएगी। अब क्लिक करके इस पॉइंट पर या किसी भी कॉर्नर के पॉइंट पर आप क्लिक करके चाहें तो उसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। देखें, मैं यूँ मूव कर रहा हूँ ऊपर के जाने तो साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, और मूव करेंगे बाहर के जाने तो साइज़ इंक्रीज़ होगा। और अगर हम चाहते हैं इस पिक्चर को रिसाइज़ करना है तो इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे चेंज पिक्चर रिसाइज का ऑप्शन, ये नीचे आ रहा है, पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले ये ऑप्शन आ रहा है चेंज पिक्चर के नाम से, चेंज पिक्चर के ऑप्शन पर क्लिक करके इसी पिक्चर की जगह पर दूसरी पिक्चर इसकी रिप्लेसमेंट में लाना चाहें, जिस पिक पे आप क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर यानी कि रिप्लेसमेंट उसकी आपको दिखेगी पिक्चर की। अब चाहें तो इस पिक्चर का साइज़ कम या ज़्यादा जैसे आप एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। रिसाइज करने के लिए इसी पिक्चर के ऑप्शन में थर्ड यानी कि सबसे लास्ट ऑप्शन आ रहा है रिसाइज पिक्चर के नाम से, इस पिक्चर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद लॉक के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, इसको अनचेक कर देंगे, इसका जो चेक था वो हाइड हो गया। और उसके बाद हॉरिजेंटल, इसकी चौड़ाई कितनी आ रही है, 24%, जो इसकी पिक्चर की विड्थ है यानी कि जैसे हम कह सकते हैं चौड़ाई, हॉरिजेंटल इसकी विड्थ को काउंट किया जा रहा है 25%। हम चाहते हैं इसकी जो विड्थ है वो बढ़ जाए, या हम चाहते हैं कम हो जाए, फॉर एग्जांपल बढ़ जाए, 55 हमने कर दी। अब देखें, हमने यहाँ से जब इसे अनचेक किया, 55 विड्थ करने पर सिर्फ विड्थ ही 55 हुई, जब ओके करेंगे तो वाजे आपको इसका साइज़ जो है 55% के हिसाब से दिखेगा, देख रहे हैं। और फिर हमने यहाँ क्लिक किया रिसाइज पिक्चर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और नीचे ऑप्शन आ रहा है लॉक का, इस पर क्लिक करेंगे, अनचेक हो जाएगा, वर्टिकल 24% आ रहा है। हम चाहते हैं इसका साइज़ भी, हाइट जो पिक्चर की है वो बढ़ानी है, कितनी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं 35, इसका साइज़ आ जाए 35%, ओके करेंगे, देखें ये साइज़ बढ़ गया। चाहें तो आप इसका साइज़ माउस के ज़रिए क्लिक करके भी यूँ रिसाइज़ कर सकते हैं पिक्चर को, चाहें तो इस ऑप्शन के ज़रिए भी पिक्चर को रिसाइज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। यह था पिक्चर वगैरह के हवाले से, लेफ़्ट कर देंगे लेफ्ट, सेंटर कर देंगे पिक्चर सेंटर में आएगी, राइट कर देंगे राइट में आ जाएगी, जिस तरफ आप इसे एडजस्ट करना चाहें ईज़िली एडजस्ट कर सकते हैं। पिक्चर को हम सेलेक्ट करके चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है पेन ड्राइंग के नाम से, ये क्या है, पेन ड्राइंग के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो MS Paint ओपन हो जाएगा। ये वही MS Paint जो कि आप लोगों ने इस कंप्यूटर लर्निंग जोन के चैनल में पहला टॉपिक MS Paint के हवाले से पढ़ा था, आई थिंक मुझे याद आ रहा है इसकी 13 क्लासेस जो कि मैंने अपलोड की थी रिकॉर्ड करने के बाद, यकीनन आप लोगों ने देखी होंगी और सीखा होगा इस टॉपिक के बारे में। तो खैर, कहने का मकसद, इसी WordPad की फाइल में रहते हुए अगर आप चाहें तो उसके अंदर मज़ीद फाइल्स वगैरह की एडिटिंग करें, और कोई ड्राइंग का वर्क वगैरह करना हो आसानी से कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे क्लोज़ करेंगे तो WordPad के अंदर यह आपको जो भी आपने सिंपल सा ड्राइंग का वर्क किया है वो आपको दिखेगा WordPad में, देखें आ चुका है। अब क्लिक करके इसका साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, और चाहें तो इसमें एडिटिंग करने के लिए डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने पर दोबारा MS Paint में ये ओपन हो जाएगा। तो खैर, ये तरीकाकार था इसका MS Paint की एडिटिंग के हवाले से। चाहे मज़ीद जो इसमें ऐड करना चाहें, देखें यह हो गया ऐड। अब हम चाहते हैं ये डिलीट करना है, चाहें तो डिलीट कर दें, क्लिक का बटन प्रेस करेंगे इस पर और डिलीट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद डिलीट का बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, डिलीट हो जाएगा। अब एक ऑप्शन हमारे पास आ रहा है डेट एंड टाइम, ये क्या है, पढ़ते हैं इसके बारे में। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट वगैरह टाइप किया हुआ हो, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया टाइप कर दिया कंप्यूटर लर्निंग जोन, ठीक है, हमारे पास ये चैनल का नाम लिखा हुआ आ रहा है। इस तरीके से कोई भी टेक्स्ट वगैरह आपके पास लिखा हुआ हो, और अगर चाहें तो ना भी लिखा हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसका एक आइडिया ये कि अगर आप किसी कंपनी के ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ के सुपरवाइज़र या मैनेजर आपसे कहते हैं कि जिस दिन
की डेट और टाइम के मुताबिक आप कोई भी काम करते हैं उस दिन की डेट और टाइम को डॉक्यूमेंट में मेंशन किया करें। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, कंप्यूटर की डेट और टाइम जो कि टास्क बार पे सबसे यहाँ आपको राइट साइड डाउन की जानी आपको दिख रही होगी, यह सेटिंग आ रही होती है डेट और टाइम की, यह आपकी बिल्कुल एडजस्ट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। डेट और टाइम बिल्कुल सेट होगा तो सही डेट और टाइम आएगी, और अगर उसमें प्रॉब्लम होगी मतलब डेट और टाइम सही ना हो तो फिर यहाँ भी गलत आ रही होगी। अगर डेट और टाइम की सेटिंग आपने गलत रखी है तो यहाँ भी गलत आ रही होगी। ठीक है, डेट और टाइम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, शॉर्ट डेट का स्टाइल आ रहा है, ये देख रहे हैं ये मुख्तलिफ स्टाइल आ रहे हैं, लॉन्ग डेट के स्टाइल आ रहे हैं। अब देखें यहाँ पर ये बिल्कुल लॉन्ग स्टाइल आ रहा है, क्यों लिखा हुआ रहा है थर्सडे, डे का नेम आ रहा है और फिर डेट वगैरह अगेन अगेन जो चीज़ें हैं वो आ रही हैं। ओके पे क्लिक करेंगे, डेट आ गई। हम चाहते हैं टाइम भी लाना है, चाहें तो स्पेस बार की मदद से स्पेस दें, चाहें तो इंटर प्रेस करके कर्सर को नीचे की लाइन पर मूव कर लें और फिर यहाँ क्लिक करेंगे, सबसे एंड में ये आ रहा है टाइम। अब ये 24 आवर के सेटिंग के मुताबिक आ रहा है, अगर आप चाहें तो ये जिस तरह की सेटिंग के मुताबिक टाइम का आप स्टाइल सेलेक्ट करना चाहें, सेलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे, टाइम सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी क्लास का जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास है इंसर्ट ऑब्जेक्ट के नाम से, क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पर। अब देखें यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप के नाम से मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ फाइल्स वगैरह आ रही हैं, इसमें एम एस पेंट की फाइल नहीं आ रही क्योंकि वो अलग से यहाँ पर इस ऑप्शन में दे दिया गया है एम एस पेंट का ऑप्शन। बाकी इसके अंदर वो सॉफ्टवेयर वगैरह जो आपके पी सी में अगर इंस्टॉल हुए हुए हैं, अगर आपको उन्हें यूज़ करने का तरीका आता है तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर की फ़ाइल के नेम पर क्लिक करके उस सॉफ्टवेयर को उस फाइल में ओपन करके आसानी से उसमें एडिटिंग का काम कर सकते हैं और उसका किया हुआ काम इस वर्डपैड की फाइल में आसानी से ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, कॉरल ड्रॉ, इस तरीके से हमारे पास ये एक्सेल की फाइल आ रही है, मुख्तलिफ फाइल्स आ रही हैं। अब मैं इसके बारे में आपको नहीं बता रहा, उसकी एक वजह यह है अभी एम एस वर्ड और एक्सेल वगैरह आप लोगों ने सीखा नहीं। इंशाल्लाह जब आप एम एस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट वगैरह इस तरह की जब चीज़ें सीख लेंगे तो ईज़िली किसी भी फाइल के नाम पर क्लिक करके ओके करेंगे, फाइल ओपन होगी और उसमें जो एडिटिंग का काम करके चाहें तो वर्ड पॉइंट में आसानी से उस काम को ला सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास हमारी, क्लास नंबर 6 के हवाले से वर्डपैड क्लास नंबर 6 का टॉपिक यहाँ तक आज वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपसे उम्मीद रखते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और इसके बेल आइकन पर क्लिक भी करेंगे ताकि इस तरह की आपको अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुँच सकें और इन वीडियोज़ को और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने चाहने वालों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि आप और आपके चाहने वाले इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। जब तक के लिए आपसे ज़्यादा चाहते हैं, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।